हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फावाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। ऑल्सो मई स्पीक पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर है, खुजली फैमिली के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। आज उसने डक्की भाई, जो कि पाकिस्तान का एक और बड़ा रोस्टर है, उसको रोस्ट किया है, ऊँट आया पहाड़ के नीचे। वीडियो का टाइटल है डक्की भाई गॉट रोस्टेड बाय ऑल्सो स्पीक। तो बिना कोई टाइम जाए कि आइए वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन भी दूंगा, रिव्यू भी करेंगे। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? से पबजी खेल रहा हूँ, बाद में फोन कीजिए। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसम स्पीकिंग। आज हम तवा लगाएंगे उस शख्स का जो दूसरों का तवा लगाता है। हाँ जी, आज हम बात करेंगे, नहीं बल्कि रोस्ट करेंगे, वो भी डक्की भाई का। इस घुस के फटने वाले इंसान के अंदर आज हम घुसेंगे और ऐसा फटेंगे कि आवाज कनाडा तक जाएगी। नहीं क्या समझा क्या इस बंदे ने, कि इसको कभी लितर पड़ेंगे ही नहीं, इसकी लिटरेशन कभी होगी ही नहीं। अरे शुक्ला अंकल, इस लड़के को समझाओ यार। तुम भी पहले जाओगे। ये ईदों में नहाने वाले शख्स को तो सबसे पहले कोई फैशन सेंस सिखा दे। शलवार कमीज पे जोगर पहनने वाला ये प्राणी पता नहीं कैसे सेलिब्रिटी बन गया है। जिस तरह ग्रुप फोटो लेने वाला बंदा हमेशा ग्रुप से दूर होकर फोटो लेता है, बिल्कुल उसी तरह डक्की भाई के पांव की सबसे छोटी उंगली बाकी उंगलियों के ग्रुप से हमेशा दूर होकर रहती है। अरे भाई, अगर सगी उंगली नहीं है तो कटवा लो। हर बंदे को तुम उंगली करते रहते हो और अपनी उंगली का कोई ख्याल नहीं। कोई इस बंदे को चप्पल पहनना सिखा दो यार, बाल बनाना तो आखिरी चैप्टर है। आंटी जी, आप दादी की उम्र की लगती हैं, तो क्या किया जाए इस लड़के के साथ? जूता उठा के मार दीजिए। मैं कहता हूँ सर, इसको पब्लिक के हवाले कर देते। ये बकचोद नगर का शहजादा यूट्यूबर के साथ साथ गेमर भी है। बड़ों के खिलौने तो भाई साहब के हाथ कभी आने नहीं है, इसलिए सिर्फ वीडियो गेम्स खेल के अपना मन बहला लेते। इतना अकेला इसने अपनी उंगली को भी नहीं रखा जितना अकेला इस गेमर को इसकी किस्मत ने रखा है। आजकल के शियारी भरे दौर में जहाँ पे हर बच्चा हॉर्लिक्स मांग रहा है, और बाबे जिनका एक पाँव कबर में है और दूसरा केले के छिलके पे है, वो भी कम से कम फुलझड़ियों के लिए मार्केट से फ्रूट लाने की बातें कर रहे हैं। फ्रूट में क्या लिखा है? और ये बंदा आज भी सिंगल और हैंडसम है। और लड़की आए भी तो कैसे आए भाई, इतना कोई अनरोमेंटिक आदमी है कि गर्लफ्रेंड को बर्थडे पे भी लाइटों वाला कीबोर्ड और नेकलेस की जगह डेटा केबल गिफ्ट कर देगा? चलो मान लिया कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स देख के कोई बाबा की रानी इसकी जिंदगी में आ भी गई, तो तीसरे ही दिन कोई फजूल सा बहाना बना के ब्रेकअप करके वहां से चली जाएगी। साथ मैंने बहुत सोचा, लेकिन तुम नाड़ा पहनते हो और मैं इलास्टिक पहनती हूँ, हमारा कोई जोड़ नहीं है। तुम मुझे भूल जाओ। साथ तुम्हारी नाक बहुत बड़ी है, मैंने शादी के बाद मछलियां थोड़ी पकड़ ली है। सॉरी, इट्स ओवर। जो बंदा बाय डिफॉल्ट ही भाई हो, मतलब बिल्ट इन फीचर से भाई वाले हो, तो उसको बेबियां कैसे मिल सकती हैं यार? और अगर पूछो तो कहता है मैं सिंगल अपनी चॉइस से हूँ। अरे भाई, तेरे पास चॉइस है कहाँ? मेरी जान, तू अपनी हकीकत देख और आजकल के लड़कियों की जरूरत देख। तू तो भी बच्चा है यार, तूने तो कुछ देखा ही नहीं है। आ ना पुत्र, तू शुक्र कर तू यूट्यूबर बन गया, वरना बैंक में उंगली चाट के नोट गिनवाने वाली नौकरी भी तुझे कोई न देता। उड़ता तीर तुम्हें लेना तो आपने सुना होगा, लेकिन डक्की भाई पड़ा हुआ तीर उठाते हैं, कमान में डालते हैं, खींचते हैं, उड़ाते हैं, भागते हैं, उड़ते हैं और अपनी बुद्ध फंसा लेते हैं। इस बंदे की किस्मत इतनी खराब है कि अगर पूरे जहान के लोग नंगे हो जाए, उल्टे लेट के पिठियां आसमान की तरफ करें और आसमान से एक उड़ता तीर आएगा, वो सीधा डक्की भाई की पुट में घुसेगा। कभी अजीब लोगों से पंगा लेके बैठ जाता है और अपनी शाम को खराब करके बैठ जाता है। वो भाई तो अपना काम कर, अपने चैनल को उठाने की कोशिश कर। सिर्फ एक जॉब है तेरे पास कि तूने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करनी है, सो काइंडली डू नॉट ब्लो द जॉब यार। कभी कोई इसका पेज बंद करा देगा तो कभी कोई इसके खिलाफ वीडियो बना देगा। फिर आए दिन डक्की भाई स्नो ब्रॉस के एंड वाली बला जैसी शक्ल बना के रो रहे होते हैं, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चलो छोड़ो, डक्की भाई से खुद आके बात कर लेते हैं। देखे डक्की भाई, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क अ रैंडम क्वेश्चन। देखो मेरी तरह तुमने भी आधे में पढ़ाई छोड़ दी है, तो तुम्हारे माँ बाप कह रहे हो तुम पढ़ो पढ़ो, तो आगे पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है? पढ़ाई लिखाई, घर बार, नौकरी चाकरी, पता नहीं किस गधे का आइडिया था, कंदमूली खाते, गेमिंग करते, अच्छी शाम गुजरती, ठोकते पे और मर जाते। सब छोड़ो, बस आप लोग भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और नया रोस्ट किस यूट्यूबर का हो ये भी बता देना। डक्की भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। अगर तुम नए हो तो हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। हाउ ऑसम ही स्पीक, या ही स्पीक ऑसमली, यस इज ब्रिलियंट। जैसे मैंने हमेशा से इसके वीडियोस देखे हैं और यही रियलाइज़ किया है, जो मीम्स यूज करता है अपनी वर्डिंग के साथ, कमाल है। बहुत कम यूट्यूबर्स हैं ऐसे, बहुत कम, पाकिस्तान में तो वन ऑफ द काइंड है ये। क्या ज़बरदस्त रोस्ट किया है डक्की को।
टक्की इज अ गुड रोस्टर एज वेल, इज ब्रिलियंट. वो गालियाँ ज़्यादा बकता है, गंदे अल्फाज ज़्यादा यूज़ करता है, मगर ऑसम स्पीक बहुत क्लीन रोस्टिंग करता है. लेकिन जो उसके मीम्स होते हैं वो क्लीन नहीं होते. समझ रहे हो ना आप? हाँ. लेकिन काफ़ी मज़ा आया, हंस हंस के मैं तो पागल हो गया. और जो उसकी स्पीड है और जिस टाइमिंग से रोस्ट करता है, नो वन कैन बीट दैट. नो वन, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, नो वन कैन बीट दैट. ही इज़ ब्रिलियंट थ्रू आउट, ब्रिलियंट. एंड में ये बोला है कि आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई डक्की भाई. सो वॉर हैज़ बिगिन. ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक दूसरे की अगर इस तरह रोस्टिंग करेंगे तो एटलीस्ट आई थिंक जो ऑडियंस है उनको मज़ा आएगा, क्योंकि डक्की इज़ अ गुड रोस्टर एज वेल. लेट्स सी वो किस रिप्लाई के साथ आता है. एंड आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली रिएक्ट ऑन दैट वीडियो एज वेल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरा रिएक्शन पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट. सोशल मीडिया बोल दिया तो उसमें सभी कुछ आ जाता है ना यार. बहरहाल अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और जो भी वीडियो आप रिएक्ट करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. अपना ख्याल रखिएगा. अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. स्टे सेफ, खुश रहें. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय.